तो मैं नवनीत राणा का मुंबई का घर यहां पर मैं खड़ा हूं इस वक्त। आप देख सकते हैं कि कल से मुंबई में अचानक माहौल बिगड़ गया। नवनीत राणा जो अमरावती की सांसद है, जो जीत कर आई थी राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के सपोर्ट पर, और आज की तारीख में उन्होंने एनडीए को अपना समर्थन दिया हुआ है, वो और उनके पति जो एक निर्दलीय विधायक है जो अमरावती के बडनेरा से जीत कर आते हैं, उन्होंने तय किया था कि मातोश्री के बाहर जाकर, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का निवास स्थान है, वहां पर जाकर वो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। और हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद उनका कहना था कि महाराष्ट्र में शांति आएगी, लेकिन शिवसैनिक उसको शांति से लेने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि ये पूरी तरीके से शिवसेना को और उद्धव ठाकरे को चैलेंज के रूप में देखा गया है। और इसीलिए कल शाम से ही उन्होंने पहले कहा था कि अमरावती से वो ट्रेन में बैठकर यहां पर पहुंचेगी, लेकिन उससे पहले खुफिया तरीके से नवनीत राणा और रवि राणा मुंबई में उनके घर पहुंच गए। जैसे ही ये बात शिवसेना को पता चली, उसके बाद उनके घर के बाहर शिवसेना के कार्यकर्ता कल रात से ही यहां पर डेरा जमाए बैठे हुए हैं। और उनका ये कहना है कि नवनीत राणा को किसी भी हालत में मातोश्री के बाहर जाकर वो हनुमान चालीसा का पाठ करने नहीं देंगे। सीधी राजनीति यहां पर नजर आती है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से पुलिस ने ये एक वॉल बनाई हुई है, जो प्रदर्शन करने वाले लोग और नवनीत राणा का जो घर यहां पर है, इनके बीच में पुलिस की ये एक वॉल यहां पर नजर आती है। इस वॉल के पीछे, पुलिस के वॉल के पीछे शिवसेना के कार्यकर्ता धरना लगाकर बैठे हुए हैं। इससे पहले नवनीत राणा ने कहा था कि 9 बजे वो मातोश्री के बाहर पहुंचेगी। शिवसेना अलग अलग तरीके से आंदोलन करना चाहती है। आप देख सकते हैं कि सामने एक एम्बुलेंस लाकर खड़ा किया हुआ है। एम्बुलेंस इसलिए, उनका यह कहना है कि अगर नवनीत राणा या उनके पति नीचे उतरने की कोशिश करते हैं तो इसी एम्बुलेंस का उनको इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसी एम्बुलेंस के इस्तेमाल से वो अब मुंबई से बाहर निकल जा सकते हैं। ये सीधा थ्रेट है नवनीत राणा और रवि राणा के लिए। लेकिन इसकी राजनीति भी समझना बहुत जरूरी है। इसकी शुरुआत हुई दरअसल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की, यानी राज ठाकरे की रैली से जो गुड़ी पाड़वा को हुई थी। इससे पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने मांग की थी कि मस्जिदों पर जो लाउडस्पीकर लगाए जाते हैं उनको हटा दिया जाए। उसके बाद राज ठाकरे ने चैलेंज किया और कहा कि अगर वो लाउडस्पीकर नहीं हटे तो हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे लाउडस्पीकर लगाकर। उसके बाद अचानक रवि राणा खड़े होते हैं और कहते हैं कि हम जाके मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पठन करेंगे। राजनीति बड़ी सिंपल है। जब नवनीत राणा, जो उनकी पत्नी है और लोकसभा में सांसद है, वो जब चुनाव जीती थी तब उन्होंने शिवसेना के जो वहां के उम्मीदवार थे उनको हराया था, वहां के सांसद थे उनको हराया था। आज की स्थिति में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन है। ऐसी स्थिति में नवनीत राणा को लगता है कि शिवसेना का विरोध करना उनके लिए भारतीय जनता पार्टी के नजदीक जाने के लिए जैसा हो सकता है, और इसीलिए इस विरोध में नवनीत राणा और रवि राणा पूरी तरीके से कूद पड़े हैं। पुलिस का पूरा बंदोबस्त यहां पर नजर आ रहा है। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि शिवसेना के कार्यकर्ता यहां पर बड़े पैमाने पर इकट्ठा हुए हैं। ये एम्बुलेंस किस लिए लाई गई है? अभी उनको भेजना है इसी एम्बुलेंस से अमरावती में। अभी अमरावती वो जाने की तैयारी में है तो हम बोले कि एम्बुलेंस ही लेके जाओ। पुलिस यहाँ पर खड़ी है। पुलिस ने ऑलरेडी उनको 149 का नोटिस दिया हुआ है। उनको कहा है कि आप कानून सुव्यवस्था का उल्लंघन नहीं कर सकते। ये एम्बुलेंस से क्या क्या मैसेज जाएगा आपको? आपकी सरकार है, उसी में आप एम्बुलेंस लगाकर खड़े हो जाएंगे? नहीं, देखो इनका ये फंडा, ये डुप्लीकेट है बंटी बबली। हमारे उद्धव जी, बाला साहब ठाकरे साहब ने, सीएम साहब ने 2 साल महाराष्ट्र में इतना काम किया है, कोविड में इतना काम किया, इन्होंने क्या किया है? ये खाली उद्धव साहब को डिस्टर्ब करने के लिए यहाँ पे आए हुए भाजपा के भेजे हुए फंडे हैं। इनको काम ना धंधा, ये दोनों खाली फंडे के लिए यहाँ पे करने आए, डुप्लीकेट लोगों को भड़काने के लिए आए हैं, हिंदुओं की भावना को ठेस पहुँचाने के लिए आए हैं, और कुछ तो भी अलग षड्यंत्र इनको कर रहे। राणा ये कह रहे हैं कि हम तो ये जो हिंदुत्व के नाम पर हम हनुमान चालीसा का पठन करना चाहते हैं, शिवसैनिक है तो उसका विरोध नहीं होना चाहिए, हम तो सिर्फ पठन करके चले आएंगे। करो ना, हनुमान चालीसा करने के लिए हमारी कदापि मनाही नहीं है, लेकिन हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए उनको मातोश्री क्यों चाहिए? हनुमान चालीसा खुद के घर में पढ़ो, खुद के जो एरिया है उनका अमरावती का, वहाँ के मंदिर में जाके पढ़ो, हमने किधर रोका है? लेकिन मातोश्री में जाके क्या हनुमान चालीसा? ये खाली उनका स्टंट है और हम लोग उनका स्टंट कदापि पूरा होने नहीं देंगे। हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने, आपको याद है, एक मुस्लिम हमारे भाई को मातोश्री के अंदर इमरजेंसी, जब भी उनको, वही तो वो कह रहे हैं ना कि शिवसेना का हिंदुत्व चला गया इसके लिए हम लोग को हनुमान चालीसा। अरे हमारा हिंदुत्व आबादित रहेगा, बाला साहब ठाकरे साहब हिंदुत्व की एक मिसाल है।